देश में स्वास्थ्य सेवाओं का अभी क्या प्लान, किस तरह से सुचारू हो? देखिए, कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से निपटने के लिए जो हमारे पास चिकित्सा सुविधाएं थीं, यानी कि जनवरी फरवरी और मार्च में, उसमें बहुत बड़ा इजाफा हुआ है। मिसाल के तौर पर उस समय 200 टेस्टिंग पर डे की कैपेसिटी थी हमारे पास, आज 10,000 टेस्ट कोरोना के पर डे की कैपेसिटी हमारे पास हो गई। उत्तर प्रदेश में जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं, इसमें सब में एडवांस लैब बनाने की तैयारी है, और सरकारी अस्पतालों सरकारी मेडिकल कॉलेजों में पैसे की व्यवस्था कर दी गई है, शासनादेश जारी कर दिया गया, टेंडर की प्रक्रिया चल रही है। इसके अतिरिक्त आगे भी 1,00,000 बेड्स हमारे L1, L2 और L3 में हमने नोटिफाई किए हैं। किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए हमारा पूरा विभाग, मेडिकल यानी चिकित्सा शिक्षा विभाग और चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से तैयार है। सर, मुरादाबाद में जो COVID-19 हॉस्पिटल्स हैं, तो उनकी अभी क्या स्थिति है, किस तरह की सुविधाएं हैं, आपने आज विजिट किया? देखिए, मैंने पेशेंट से भी बात की, और इसके पहले भी हम बराबर पेशेंट से फीडबैक, हमारा डायरेक्टरेट भी और हमारा कार्यालय भी रोज़ लेता रहता है, कम से कम 30 पेशेंट से रोज़ बात करते हैं प्रदेश में, और यहाँ बराबर यहाँ बात करते थे, उस पर भी फीडबैक यह है कि काफ़ी मुरादाबाद में चिकित्सीय सेवाएं काफ़ी संतोषजनक हैं। आज भी 4 पेशेंट से अभी बात की, 2 पेशेंट्स अभी रिकवर होकर बाहर डिस्चार्ज होकर निकले, उनसे भी बात की, तो किसी प्रकार की कोई असुविधा उन्होंने नहीं बताई। यहाँ तक कि चाहे सफाई की बात हो, चाहे डॉक्टर्स का दौरा हो, चाहे नाश्ता और खाने की व्यवस्था हो, तो हर प्रकार से जो उनकी देख रेख हो सकती थी उसको किया गया। और मुरादाबाद तो पहले से आगे है, आप लोगों ने गैर सरकारी संस्थाओं ने भी काफ़ी यहाँ पर लोगों की मदद की है, जो ज़रूरतमंद लोगों को भोजन के पैकेट भी दिए हैं, राशन की किट भी दी है, और हर प्रकार से इस बात की सराहना तो दूसरे ज़िलों में भी है कि मुरादाबाद ने अच्छा किया काम। सर, भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार जो स्कूल कॉलेज हैं उसके बारे में क्या रणनीति प्लान कर रहे हैं? देखिए, राज्य सरकारों के ऊपर ये बात छोड़ी गई है, और इसमें सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा उनके खोलने के संबंध में, क्योंकि सबसे पहले कोरोना के फैलाव को रोकना है, बाकी सब बातें सेकेंडरी हैं। और अभी तक भारतवर्ष और उत्तर प्रदेश इसमें काफ़ी कामयाब हुआ है। आज की तारीख तक उत्तर प्रदेश में 3100 केसेस हैं, ये और रिकवरी कम 5300 से ज़्यादा रिकवरी है, कुल मिलाकर 60% रिकवरी है उत्तर प्रदेश में, और कोरोना के फैलाव को भी रोकने में हम काफ़ी सफल हुए हैं, इसको मिनिमाइज करने में काफ़ी सफल हुए। सर, जैसा कि मुरादाबाद की स्थिति है कि लगभग 1000 के आसपास पेशेंट्स जो है अभी पाए गए हैं, जिनमें 160-200 के समथिंग रिकवर होकर अपने घर जा चुके हैं, तो मुरादाबाद की स्थिति के बारे में आप नहीं, इतने पेशेंट्स नहीं हैं, लगभग 340-44 पेशेंट जो है वो आए, और 160 उसमें रिकवर हो गए। 238 पेशेंट थे, 160 रिकवर हो गए, और आज की तारीख में कुल 68 पेशेंट जो है वो पॉजिटिव हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये अपने आप में, देखिए, सरकार ने अपनी पूरी मेहनत से, पूरी ताकत से कोरोना के फैलाव को रोकने का काम किया। जो लोग सरकारी निर्देश का नहीं पालन कर रहे हैं, उन लोगों के साथ ज़रूर दिक्कत है। आज मेरी गाज़ियाबाद में एक डॉक्टर से बात हुई, जो डॉक्टर संक्रमित हुए, तो मैंने उनसे पूछा, 30 साल की उम्र है डॉक्टर साहब की, डॉक्टर अंतरिक्ष शर्मा नाम है, और वो सुभाष हॉस्पिटल में भर्ती हैं, तो मैंने उनसे पूछा कि क्या वजह हुई, आप क्यों संक्रमित हुए, तो उन्होंने कहा, हमने सारे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया, अगर करते तो ये स्थिति नहीं आती, ये उनका कहना था, आप चाहें तो उनसे बात भी कर सकते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार, हम लोग जैसे यहाँ बैठे हैं, तो सरकार कोई आके यहाँ दो गज की दूरी नहीं बना पाएगी। सरकार निर्देश दे सकती है, सावधानी बरतने के लिए बार बार अपील कर सकती है, उसके लिए प्रशासनिक मशीनरी व्यवस्था कर सकती है,
लेकिन अब किसी के मुंह पर आके न मास्क बांध सकती है और न ही किसी को सोशल डिस्टेंसिंग को उसको अलग अलग कर सकती है। तो हमारा काम है, जिम्मेदारी हमारी है कि हम उन सरकारी निर्देशों का पालन करें और तभी कोरोना के महामारी से या संक्रमण से इससे बच सकते हैं। अगर हमने इसका पालन किया शिद्दत के साथ पूरे मनोयोग से, तो निश्चित रूप से कोरोना का अफेक्ट नहीं होगा या हम इन्फेक्शन हमारे हमें नहीं सताएगा, नहीं तो हम भी इन्फेक्ट होंगे। और जो भी लापरवाही करेगा हूसोएवर ही में भी, ये कोई बीमारी ऐसी नहीं जो देख के आए किसी को, ये किसी को मैन टू मैन को ऐसा नहीं कि उसकी पहचान बनी होगी इसको आएगी। हाँ ये ज़रूर है कि जिन लोगों की इम्यूनिटी कम है, जो कमज़ोर लोग हैं, बूढ़े हैं, बच्चे हैं, बीमार हैं, उन लोगों की जो इम्यूनिटी जिसकी कमज़ोर है मतलब या रेजिस्टेंस पावर नहीं है, उन लोगों को कोरोना जल्दी अफेक्ट करता है। और उन लोगों से मेरा विशेष रूप से आग्रह है कि वो लोग सरकारी निर्देशों का पालन ज़रूर करें और किसी प्रकार से उसकी अवहेलना अगर करेंगे तो हम संक्रमित हो सकते हैं। और हमारे पास सभी इंतज़ाम हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने 33 लाख लोगों को 1000 रुपया उनके अकाउंट में भेजा। भारत सरकार ने 500 रुपए की 2 किस्तें जनधन योजना के जिनके खाता था महिलाओं को, उनके 20-20 करोड़ लोगों को 2 बार भेजा। और हर प्रकार से अनाज की व्यवस्था भी की, राशन की व्यवस्था की, और लोग ये महसूस भी करते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में लगभग 30 लाख लेबर बाहर से आए, उन लोगों को भी राशन की किट भी दी और उन लोगों के को हर प्रकार से फैसिलिटेट करने के लिए सरकार प्लान भी बना रही है, किया भी जा रहा है। तो हम पूरी संवेदनशीलता और सहानुभूति के साथ ऐसे लोगों के साथ हमदर्दी भी रखते हैं और करके भी दिखाया। उसका परिणाम यह है कि आज कोरोना में उत्तर प्रदेश में कोरोना का फैलाव बहुत मिनिमम हुआ है। माननीय योगी जी और उनकी पूरी टीम इसके लिए लगी है और लगातार इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी तरह से कोरोना का प्रभाव न बढ़े। साथ ही साथ हमारी इमरजेंसी सर्विसेज जो हैं मेडिकल, चाहे वो कैंसर हो, ट्रामा हो, गायनी हो, या लीवर की बीमारी हो, या हार्ट की कोई प्रॉब्लम हो, उसकी भी उसको भी इलाज साथ साथ चले। इसीलिए हम आज विशेष रूप से आज हमारा ये दौरा भी था और हमने कहा है कि मेडिकल फैसिलिटीज़ उन लोगों को जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं उनको दी जाएँ। हम कोरोना का जो एंट्रेंस और एग्ज़िट है उसको अलग कर देंगे और कोशिश रहेगी कि इमरजेंसी सर्विसेज जो हैं उनको दी जाएँ। साथ साथ जो छोटी मोटी बीमारी हैं वो टेलीमेडिसिन के माध्यम से उन लोगों का इलाज हम बराबर करवा रहे हैं, उनको सलाह दे रहे हैं डॉक्टर्स लोग। हो जाएगी जल्दी। देखिए वो एक हमारी आवश्यकता भी थी और समय की मांग भी थी। लोगों का मन हुआ घर जाने को, तो वो एक परिस्थिति ऐसी डेवलप हुई कि जिसकी वजह से ये हुआ है, लेकिन हम उसको ओवरकम करेंगे। थैंक यू वेरी मच। मैं श्याम बिहारी शर्मा महानगर। शिकायत तो नहीं है, लेकिन चूंकि आज हमारे परिवार के मुखिया हमारे संरक्षक माननीय नगर विकास मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी आए थे, तो हमारे बड़े भाई हैं, हमारे संरक्षक हैं, अपनी पीड़ा, शहर की पीड़ा जो वस्तु स्थिति थी वो उनसे बयां किए और उन्होंने उस पर जो संज्ञान लिया है और कप्तान साहब को निर्देश दिया है। आज कल जहाँ हम देख रहे हैं कि जो पुलिस प्रशासन है वो निरंकुश है और चालान की आड़ में, लॉकडाउन की आड़ में आम जन का उत्पीड़न हो रहा है, भाजपाइयों का उत्पीड़न हो रहा है और उससे जनता के बीच सरकार की छवि खराब हो रही है। उस सरकार आज जो अच्छे कार्य कर रही है, जो प्रशासन अच्छे कार्य कर रहा है, कुछ इंस्पेक्टर राज के कारण वो अच्छे कार्य उससे धूमिल हो रहे हैं, उससे हमने माननीय मंत्री को अवगत कराया है। ना लिखित नहीं किए, हाँ ट्वीट मैंने किया है। ट्वीट पे मेरा स्वयं की घटना है, लगभग 8-10 दिन पुरानी पुरानी घटना होगी। मेरा पोता हुआ था और पोते जन्म हुआ था लाजपत नगर में, लोकप्रिय नर्सिंग होम में, बड़े ऑपरेशन से। मेरा आवास लाजपत नगर में है, उसे डॉक्टर कैंपस भी कह सकते हैं और सब डॉक्टर लैब आसपास ही उसके हैं। 20 दिन बाद, लगभग 22 दिन बाद पोते के अचानक तबीयत खराब हुई, अचानक बीमार हुआ, तो मैं डॉक्टर DK गुजराती हैं, बच्चा रोग विशेषज्ञ, उनसे फ़ोन से समय लिया, उनके आप तत्काल आ जाओ,
मैं बच्चे को दिखाने गया, उन्होंने दवाई दी और कुछ बच्चे को खून की जाँचें बताई। वापसी में मेरे आवास के समीप ही रस्तोगी इंटर कॉलेज है, वहाँ इंस्पेक्टर देवेश सिंह कटघर खड़े हुए थे, मुझे भलीभांति जानते भी हैं। उन्होंने गाड़ी रोकी, मैं बताया सर बच्चा बीमार है, बच्चा पीछे रो रहा है गाड़ी में, उसकी दवाई दिला के लाया हूँ मैं भी और खून की जाँच कराने जाना है। उनका पास दिखाओ, मैंने कहा पास नहीं है, पास तो जब तक बनाऊँगा बच्चे की तबीयत खराब है, पास तो बाद में बनेगा, पहले बच्चे को दिखाऊँगा जाके मैं। तो उन्होंने काफ़ी जो है अभद्रता की, गाली गलौज, जो पुलिस से व्यवहार था वो मेरे साथ किया। मैं तत्काल अपने संगठन को बताया और सीओ कटघर बहन पूनम सरोई जी, उन्हें बताया, उन्होंने गाड़ी की वीडियो बनाई। तो क्षेत्र अधिकारी कटघर के हस्तक्षेप के बाद गाड़ी का चालान तो नहीं हुआ, लेकिन अभद्रता मेरे साथ भरपूर हुई। क्या आश्वासन दिया है अब मंत्री जी ने? मंत्री ने कप्तान साहब से कहा है कि जो इंस्पेक्टर राज है ये यहाँ खड़ा ना हो, और सरकार की मंशा जो है न इंस्पेक्टर राज की है, न चालान की है, और न चालान के नाम पर धन इकट्ठा करने की है। आज चालान के नाम पर तुम धन 500 रुपये इकट्ठा कर लोगे, जन चला जाएगा। हमें धन नहीं चाहिए, जन चाहिए, जनता के बीच अच्छा संदेश जाए। उन्होंने कहा अगर किसी का मास्क नहीं है तो आप 2 मास्क उसे उपलब्ध कराओगे, ना कि चालान कराओगे उसका। अगर उसके लिए मुख्यमंत्री को ट्वीट किया था आपने, प्रधानमंत्री को ट्वीट क्या बताया था आपने? बस मैंने सभी जो अपने संगठन के लोग हैं सभी को ट्वीट किया है, और 3 दिन पहले ईमेल द्वारा रिमाइंडर पर डाला है मैंने उसका, और वो लगता है वो सब प्रशासन में आके अटके हुए हैं।